आज हम पढ़ेंगे अलंकार की परिभाषा। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अलन अर्थात भूषण। कर अर्थात सुसज्जित करने वाला। अतः काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है।
अगला है अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पहला है शब्द अलंकार दूसरा है अर्थ अलंकार। अब हम पढ़ेंगे अलंकार की परिभाषा। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अलंक का अर्थ है यानी भूषण, कर अर्थात सुसज्जित करने वाला। अतः काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। अब है अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जिसमें से पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार।